कि जनता भाजपा के साथ नहीं है। सरकारी मशीनरी के बलबूते ईवीएम या ऐसे भी छेड़छाड़ करके वो एन के एन प्रकार से सत्ता में कायम रहना चाहिए। तरीके से चंडीगढ़ में डकैती हुई है वोट की और वोट को बर्बाद किया गया है, बाकायदा उसका वीडियो वायरल हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि अब वोटिंग नहीं हो रही है, अब वोट को डकैती की तरह छीना जा रहा है। खुदा सरकार भारतीय जनता पार्टी लोगों के हक को छीनने का काम कर रही है अपने सरकारी मशीनरी के द्वारा, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। हमारे देश का लोकतंत्र, अगर मैं लोकतंत्र की बात करूं तो शायद अब उसका खात्मा होना तय है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं, दरअसल चंडीगढ़ में जिस तरह से मेयर चुनाव हुए और जिस तरह से वीवीपैट में धांधली की, जो छेड़छाड़ी की वीवीपैट से जिस तरह से खबरें आ रही हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसके बाद तो यही है ना कि जब व्यक्ति अपना वोट करता है, अपने प्रतिनिधि को चुनता है, लेकिन जब उन्हीं के साथ छेड़छाड़ होगा, यानी कि शायद अब वो दिन दूर नहीं है कि जब देश का लोकतंत्र खतरे में है। लोगों से चर्चा शुरू कर देते हैं, दिल्ली में लगातार ईवीएम को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है, उधर हरियाणा में चंडीगढ़ की जिस तरह से खबरें आई हैं वीवीपैट से, सर क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप इसको? मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी कह रहे हैं कि भाई देश का लोकतंत्र खतरे में है और कहीं ना कहीं 2024 के बाद से चुनाव ही ना हो, जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं ईवीएम को लेकर, तमाम तरह के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से चंडीगढ़ में डकैती हुई है वोट की और वोट को बर्बाद किया गया है, बाकायदा उसका वीडियो वायरल हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि अब वोटिंग नहीं हो रही है, अब वोट को डकैती की तरह छीना जा रहा है। तो जब इस तरीके से छोटे से चुनाव, मेयर के चुनाव में डकैती डाली जा रही है, तो जो पीएम और मुख्यमंत्री का जब चुनाव होता होगा और यह होता है, तो उसमें क्या हाल होता होगा ईवीएम का? और बार बार लोग, सब लोग कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं दायर की गई हैं, बिल्कुल हाई कोर्ट की तरफ से अभी वहां पर भी सुनवाई हुई है, तो क्या भाजपा 24 में जीत जाएगी इसी तरह की अगर घटनाएं सामने आती रही इस तरह? भाई अगर संविधान का इसी तरह हनन होता रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं, इससे अच्छा तो चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। और खड़गे जी ने कहा है कि 24 के बाद चुनाव, तो ये संकेत है, ये इशारा है कि चुनाव नहीं कराना चाहते हैं अब ये लोग, चुनाव को खत्म करके एक स्थापित। कल तक के विपक्ष जिस तरह से ईवीएम के खिलाफ सड़कों पे है, आज भी ईवीएम के खिलाफ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली में चल रहा है लगातार, लेकिन अब वीवीपैट की जिस तरह से घटना सामने आई है, तो अब क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि मैं 4PM यूट्यूब पे परमानेंट आप लोगों की खबर देखता हूँ, और वो इसलिए देखता हूँ कि हमें टीवी से मोह भंग हो गया, वहाँ केवल एक ही सरकार भाजपा की ही बात होती है, सही बात नहीं है हमारे समझ में आती। और आपके चैनल पर ही हमने अभी सुना है, एक निधि तिवारी जी हैं, कौन है क्या है, हाँ हम देखते रहते हैं। बहुत अच्छी पहल आपकी यह है कि आप जो हिंदुस्तान और संविधान जो एक दूसरे के पूरक हैं और उनके बीच में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ही एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी दोनों का बराबर का दर्जा शायद मेरी समझ से चुनाव में ही हो पाता है, उस पर भी मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी लोगों के हक को छीनने का काम कर रही है अपने सरकारी मशीनरी के द्वारा, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। और अगर इसी तरह रहा तो फिर चुनाव का मतलब क्या है? अगर हमारा वोट किसी को जा रहा है और अगर हम उसको नहीं देख पा रहे हैं कि जीत रहा है, तो इसका मतलब कि मेरे में जो मैंने मतदान किया है उस पर कुठाराघात हो रहा है। और ये मेरा ही नहीं, अभी तमाम जगह चुनाव हुए, हर जगह यही होता है कि 5 राज्य के चुनाव में 10 लाख वोट जनता कांग्रेस को ज़्यादा देती है, लेकिन सीटों में कम हो जाती है, सिमट जाती है, आखिर इसका क्या कारण है? और ईवीएम को लेकर तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील, तमाम बुद्धिजीवी, तमाम अच्छे राजनेता, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व गवर्नर थे हरियाणा के, नाम नहीं याद आ रहा, सतपाल मलिक जी, उन्होंने खुद कहा है कि अगर ईवीएम पे बैन नहीं लगाया गया और बैलेट पेपर से मतदान नहीं हुआ तो कोई भी दल
केंद्र की सत्ता में नहीं आ सकते। तो सर बैलेट पेपर की अगर बात करूं तो बैलेट पेपर में तो धांधली आ रही है, जिस तरह छेड़छाड़ हुए, वीडियोस वायरल हो रहे चंडीगढ़ के। लेकिन ये जो हो रहा है यह भी तो गलत है। अगर किसी ने वोट दिया और उसके वोट की चोरी की जा रही है, उस जबरदस्ती की जा रही है, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? फिर वोट पड़ता क्यों है? फिर ये क्यों वोट डलवाया जाता है? इसको सीधे सीधे सरकार को एक तानाशाही की तरह उसको अपने कब्जे में कर लेना चाहिए, फिर वोट क्यों डलवाया जा रहा है? बंद करा इस व्यवस्था को। एक तरफ ढिंढोरा पीटा जाता है कि पूरे हिंदुस्तान की जनता हमारे साथ है, तो अगर जनता आपके साथ है, आपके काम अच्छे हैं, तो फिर आपको ये सब करने की नौबत क्यों पड़ रही है? और इससे ये साफ जाहिर है कि जनता भाजपा के साथ नहीं है। सरकारी मशीनरी के बलबूते EBM या ऐसे भी छेड़छाड़ करके वो एन के एन प्रकार से सत्ता में कायम रहना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या 24 का चुनाव फिर भाजपा जीतने वाली है, जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही है, चाहे EVM हो, चाहे बैलेट पेपर हो, तमाम तरह की? ये उनकी मंशा है, ये उनकी मंशा है, लेकिन बहुत देर तक अगर किसी को दबाया जाएगा तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। आप जानते हैं रावण बहुत बलशाली था, बंदर भालुओं ने तो राम राज खत्म कर दिया। नहीं, वो उनके कहने से राम राज चल रहा है, लेकिन राम भी उनके पेटेंट बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि जो राम सब में हमारे में लिखा था कि कण कण में या हम सब राम के द्वारा ही पोषित हैं, जो जीवन है जिनमें, और वो राम में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आदम जी का एक शेर है कि जो व्यवस्था को बदलने के लिए बेताब थे, कैद उनके बंगलों में इस मुल्क की रानाई है, और रहनुमा धृतराष्ट्र के पद चिन्ह पर चलते रहें और आप चुप बैठे रहें, ये कौम की रुसवाई है। यही अंग्रेजों ने भी किया था, वो भी अपनी जो भी नीति बनाते थे उस पर कहते थे नहीं जनता की मोहर है। आपने देखा कि संसद में कानून पारित करने के लिए इन्होंने 148 सांसदों को निलंबित कर दिया। आज फिर जब बजट सत्र आया और उनको ज़रूरत पड़ी तो उनका निलंबन वापस ले लिया, और फिर जो है आज से वो कल से सदन में बैठेंगे वे लोग। तो ये इनका बुलडोजर जब चलता है तो रंग देख करके चलता है कि कौन से रंग पर बुलडोजर चलना है, इसी तरीके से। लेकिन हर अत्याचार अनाचार का अंत होता है। रावण और कंस का अंत हुआ, भस्मासुर का अंत हुआ, अंत इनका भी निश्चित है, और ये 2024 ही आखिरी मौका है हम लोगों के लिए। क्या लगता है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो एक बात ये कहना चाहेंगे कि अभी आपने रामराज की बात की, हमको लगता है कि ये कम से कम आप लोग तो मतलब देश का आईना है, सच और झूठ में फ़र्क आप लोग बताते हैं। तो रामराज आप लोगों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि देखिए रामराज तो वो था कि जहाँ एक मतलब पूरा राज, तो भाजपा ये कह रही है कि हम रामराज लाए, लेकिन ये वर्ड मतलब ये शब्द, ये वर्ड, ये हमारे अल्फाज, ये हमारे जुबान पे आने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए हम उस रामराज को जानते हैं जहाँ एक मतलब पुत्र जो है वो सत्ता छोड़कर अपनी माता के कहने पर चला गया, और एक आप उनकी तुलना कर रहे हैं कि जो सत्ता के लिए अपनी माता को लाइन में खड़ा कर दिए। वो आप वो रामराज था कि जहाँ एक व्यक्ति ने सवाल उठा दिया तो अपनी धर्म पत्नी को उन्होंने जो है अग्नि परीक्षा करवाई। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी ने अपनी माता को सिर्फ वोट के लिए, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति ने सवाल किया तो सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, एक जनता ने, जनता की एक व्यक्ति ने तो। और आज जो है अगर आप सवाल कर लो तो आप जेल में चले जाओगे, तो कहाँ आप रामराज की तुलना उनसे कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। हम पुरुषोत्तम राम हम उनको कहते हैं, हम मानते हैं उनको। दूसरी चीज़ देखिए, सिर्फ भाजपा को सवालों से डर क्यों लगता है? नहीं, सवाल से तो हर उसको डर लगेगा जिसको जवाब नहीं आएगा, जिसको, जिसने काम नहीं किया होगा, जिसने जनता के लिए कुछ काम नहीं किया, जब आप उससे सवाल करेंगे तो उसको डर लगेगा। हम भी जब परीक्षा देने जाते थे तो सवाल जो हमको नहीं आता था तो हमको भी उससे डर लगता था कि इसका जवाब हम क्या लिखेंगे। अच्छा, तो यही वजह है जो डरती है? बिल्कुल बिल्कुल, जिसने कोई काम नहीं किया। दूसरी चीज़ एक ये है कि देखिए अभी लोकतंत्र की बात हो रही थी, देखिए लोकतंत्र जो है वो एक सिर्फ संविधान की जो किताब है सिर्फ उसी से पूरा मतलब चलना, वो किताब ही नहीं चलाती है, उसमें हम सारे लोग उसके बिंदु हैं और हम सारे लोग उसको चलाते हैं। अभी चाहे मीडिया हो या दूसरी संस्थाएं हों, अभी हमने देखा था कुछ सालों पहले कि जज लोग जो है वो आए थे जनता की अदालत में,
अपनी बात रखने, हम जनता जाती है अपनी परेशानियों को लेकर कि हमारा समस्या का समाधान जज करेगा, कोर्ट जाती है, कोर्ट के लोग, जज के लोग जनता की अदालत में आकर खड़े हो गए थे कि भाई हमारा समस्या का समाधान है, तो उलट चुका है। अब ऐसे में जो हमारी भूमिका है, जो आपकी भूमिका, अगर हम लोग ये सही तरीके से निभाएंगे तो हम इस देश को, देश के संविधान को, लोकतंत्र को हम बचा पाएंगे। सर, भाजपा ये भी कहती है कि जिस राज्य में हम जीत जाते हैं वहाँ पर ये उठाने लगते हैं सवाल ईवीएम का, और जिस राज्य में ये जीतते हैं वहाँ पर सवाल नहीं उठाते। मैं सिर्फ जो है ईवीएम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरे लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आज पूरा देश, पूरा लोकतंत्र खतरे में है ना। ये सिर्फ ईवीएम से तो चुनाव जीता जाएगा? लोगों के दिलों को जो आज बांट दिया गया, इसको ईवीएम से थोड़ा जीता जा सकता है। आज जो बचाना है हमें, अपने मुल्क को बचाना है, वो जो लोगों के दिलों में नफरत भरी जा रही है उससे हमको बचाना है। देखिए, ईवीएम की बात मैं क्या करूँ, ये आज सत्ता में वो लोग बैठे हुए हैं जिनको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। जिसको ये फॉलो करते हैं उसको भी लोकतंत्र में भरोसा नहीं था। जिस दिन महात्मा गांधी बापू की हत्या हुई, खुलेआम हत्या हुई थी, उसी तरह उन्हीं ने देश को ये दिखाने का प्रयास किया चंडीगढ़ में, तो उसी दिन उन्हीं ने लोकतंत्र की हत्या खुलेआम जनता के सामने की है। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि हम लोकतंत्र की हत्या करने की ताकत रखते हैं, रोक सको तो रोको। लेकिन उनको ये नहीं पता किसी भी ताकतवर तानाशाह का अंजाम क्या हुआ है। जनता जिस दिन अपने उफान पर आ जाती है, तख्ता पलट हो जाता है। जिस तरह से उन्हीं ने चंडीगढ़ के अंदर खुलेआम वीडियो वायरल हो रहा है कि एक अधिकारी उनका बैठ करके सभासदों के मत को अनवैलिड करार दे रहा है, तो एक साफ पैगाम देना चाहते हैं कि हम दबाने की, जनता को डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी 1857 से लेकर के 1947 तक, देश की कुर्बानियाँ दी, वो दबने वाली नहीं। हमारा DNA वही है, हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, रोडों पर लड़ेंगे। और आप जैसे लोग, मीडिया का चौथा स्तंभ अगर मजबूती से सामने खड़ा रहेगा तो उनको लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देगा और उनको झुकना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ईवीएम को लेकर जिस तरह से चंडीगढ़ में जिस तरह से सामने आई है धांधली की जो वीडियोस है वायरल हो रही है, उसी पर लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उसी तरह तमाम मुद्दों पर बात करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में है अब्बास, 4 PM।